अनिल का फेशियल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की गई थी, जिसमें उसकी नोज, स्काल्प, चीक बोन, जालिन, आईब्रो, लिप्स, ईयर, एडम्स एप्पल सब रिकंस्ट्रक्ट कर दिया गया था, जिससे वो औरत जैसा लगे। फिगर का साइज देखकर तो कोई भी अपना मुंह खोल दे। उनका साइज 36D था। सोनिया ने जानबूझकर इतना बड़ा फिगर इम्प्लांट करवाया था। अनिल की कमर भी अब बहुत पतली लग रही थी। सोनिया ने अनिल को बताया कि उसके पेट का और उसके शरीर का एक्स्ट्रा फैट निकालकर उसे उसके तस्वीर में डाला गया है और इससे उसकी तस्वीर अब 40 इंच की हो गई है। 36D का ब्रेस्ट उस पर 28 की कमर और 40 की तस्वीर के कॉम्बिनेशन से अनिल का फिगर काफी सुंदर और आकर्षक लग रहा था। सिर्फ अनिल के दोनों पैरों के बीच देखकर पता चलेगा कि वो असली औरत नहीं है। अनिल ने हैरान होकर सोनिया से पूछा कि मैंने तो सिर्फ ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाने के लिए कहा था, पर इतना सब कुछ क्यों? सोनिया ने कहा, अगर मैं तुम्हें पहले बता देती कि तुम्हारी इतनी सारी सर्जरी होने वाली है तो क्या तुम करने के लिए राजी होते? नहीं ना, इसलिए मैंने चुपचाप डॉक्टर से कहकर ये सब करने के लिए कहा था। और वैसे भी तुम्हें उन नकली चीज़ों को यूज करते हुए देखकर मुझे बहुत दुख होता था, और अब तुम्हें वो सब लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अब पूरे औरत बन चुके हो। सोनिया का एक्सप्लेनेशन सुनकर अनिल की बोलती बंद हो गई। गुस्सा तो आ रहा था, पर अब क्या करता? अब अनिल चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। पर एक बात से अनिल भी सहमत था कि अब उसे बार बार उन आर्टिफिशियल चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अनिल बोला, पर इतना बड़ा फिगर क्यों सोनिया? अब मुझे देखकर कोई क्या सोचेगा? पहले ही लोग मुझे गंदी आंखों से देखते थे, पर अब मुझे डर है कहीं मेरे साथ कुछ गलत न हो जाए। माँ पापा जब मुझे ऐसे देखेंगे तो मालूम नहीं उनका क्या रिएक्शन होगा। सोनिया को अनिल की आने वाली सब मुश्किलें मालूम थी, पर उसे ये यकीन भी था कि उसके होते हुए कोई अनिल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सोनिया ने अनिल को कंधे से पकड़ते हुए कहा कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सोनिया का अनिल के प्रति प्रोटेक्टनेस देखकर अनिल को काफ़ी मदद मिल गई शांत होने में। सोनिया ने अनिल के लिए अलमारी से पिंक साड़ी निकाल दी और अनिल को वो सारे कपड़े पहनाए जो एक औरत पहनती है। फिर थोड़ा मेकअप करने के बाद अनिल खूबसूरत परी लग रहा था। अपने आप को देखकर अनिल खुद ही अपने प्यार में पड़ गया था। सोनिया को अनिल के चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर मालूम पड़ गया कि उसके अंदर क्या चल रहा है। वो अनिल के पास आ गई और बेड पर प्यार करने लगी। इसके बाद दोनों बेड पर वैसे ही पड़े रहे। कुछ देर बाद अनिल सोनिया को वहीं छोड़ खाना बनाने के लिए आ गई। खाना बनाकर अनिल ने सोनिया को आवाज़ लगाई। सोनिया बड़ी मुस्कुराकर बाहर आ रही थी। उसने अनिल से कहा, आज पहली बार मुझे ऐसा आनंद मिला जो इससे पहले कभी नहीं मिला था। अनिल भी सोनिया से सहमत था, आखिर अनिल को भी तो वैसी फीलिंग्स पहली बार मिली थी। उस दिन के बाद लगभग हर रात सोनिया और अनिल एक दूसरे से प्यार करते थे। सोनिया को अब जब भी टाइम मिले तब घर आती थी। अनिल अब असली औरत बनने के कारण अब और रिवीलिंग और बैकलेस ब्लाउज पहनती थी, जिसके कारण अनिल जब भी कहीं बाहर जाता तो नज़दीक खड़े सबकी नज़र अनिल के ब्लाउज और क्लीवेज पर आकर रुकती थी। सब्जी वाले के पास जाए तो वो अनिल को कम, उसके फिगर को ज़्यादा देखता था। मर्दों का तो पता चलता था, लेकिन अनिल को अजीब लगता था जब औरतें उसके शरीर और फिगर को देखकर कुछ आपस में खुसफुसाती थी। सोनिया ने अनिल को समझाया कि औरतें उससे जलती हैं, इसलिए उसे घूर घूर कर देखती हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये पार्ट कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस स्टोरी का अगला पार्ट सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।